हाँ दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल जीके भाई दीवान सर पे मैं स्वागत करता हूँ। आज इस क्लास में पढ़ेंगे हरियाणा फरवरी 2020 से संबंधित करंट अफेयर, और डायरेक्ट आपको मैं सुपर फास्ट इस क्लास में क्वेश्चनों पे ले चलता हूँ। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन आ चुका है कि हरियाणा को मातृ वंदना योजना में कौन सा स्थान मिला है। तो इस योजना में हरियाणा को तीसरा स्थान मिला है फरवरी 2020 के करंट अफेयर में बात करें। क्वेश्चन नंबर दो, कल्पना चावला स्मृति दिवस कब बनाया गया, यानी उनकी याद पे जब उनकी डेथ हुई थी 1 फरवरी को। तो 1 फरवरी को और कौन कौन से यहाँ पे क्वेश्चन बनेंगे, देखिए कल्पना चावला के बारे में बताऊँ, इनका जन्म 17 मार्च 1961 को करनाल में हुआ था दोस्तों। और जो आप पढ़ रहे हो ना अपने 62 वाला, वो उनकी डीएमसी में डीएमसी के जो डॉक्यूमेंट है उनमें डेट ऑफ बर्थ है, लेकिन उनके घर वालों ने ओरिजिनल यही बताई थी। उसके बाद में आगे बात करें तथा यहाँ दो बार अंतरिक्ष में गई कल्पना चावला की मृत्यु कोलंबस विमान दुर्घटना के कारण हुई थी 1 फरवरी 2003 को। कब हुई थी? 1 फरवरी 2003 को। और अगर बात करें 16 मिनट पहले हो गई थी इनकी मृत्यु 2007 में, कल्पना चावला तारामंडल कुरुक्षेत्र में बनाया गया। और 2016 में कल्पना चावला से संबंधित मैं बात करूं तो कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज 2012 में जो बना था उसे 2016 में यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया। एक चीज़ नोट करना दोस्तों, कल्पना चावला का जन्म है ना, आपको 61 की जगह यहाँ पे 62 कर लेना, ठीक है? क्यों? क्योंकि ना 61 में उनकी जो बात करें जन्म हुआ था तो वो डीएमसी में तो 61 लिखा हुआ है, क्योंकि जैसे देखो 62 में जन्म हुआ, नाम लिखवाने गए थे ना, बोले बच्ची छोटी है तो थोड़ी उम्र बड़ी लिख दी थी, यानी 61 लिख दी थी तभी बड़ी होगी ना। और जन्म कब होएगा? 62 में रहेगा, 17 मार्च 62 ही करके आना है आपको एग्जाम में। उसके बाद में अगले क्वेश्चन पे चलें, क्वेश्चन नंबर तीन आपके सामने कहता है कि हरियाणा के किस व्यक्ति को द फोक्स एशिया कॉन्फ्रेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो बलदेव कुमार को अवार्ड दिया गया, द फोक्स एशिया कॉन्फ्रेंस अवार्ड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, फरवरी 2020 में कुल कितना बजट पेश किया गया। तो बजट ये देख लीजिए आप, इतना बजट फरवरी 2020 में पेश किया गया जो कि पिछले बजट से है ना 7% अधिक है। पिछले बजट से हरियाणा का ये जो 2020-21 का बजट बोलेंगे इसे हम, कितना अधिक है? 7% अधिक है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आने लायक है भाई। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलें, क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, 9 फरवरी से 20 फरवरी के बीच आयोजित सरस मेला। कौन सा मेला? सरस मेला का उद्घाटन कंवर पाल गुज्जर के द्वारा किया गया। तो यह मेला कहाँ आयोजित हुआ? यमुना नगर में आयोजित हुआ था दोस्तों। तो कंवर पाल गुज्जर है, इन्होंने उसका उद्घाटन किया। और एक अपने बात करें सरस मेला है, ये 9 फरवरी से लेकर और 20 फरवरी तक आयोजित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6, किस बस अड्डे का नाम स्वर्गीय सुषमा स्वराज के नाम पर रखा गया है? अंबाड़ा बस स्टैंड का नाम। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं, सुपर फास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम। 34वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेले का आयोजन कब से कब तक हुआ था, यानी जो 34वां आपसे पूछ रहा है ये 1 फरवरी से लेकर 16 फरवरी तक आयोजित हुआ। और शुरुआत 1986 में होती है, राजस्थान इसका पहला थीम स्टेट के रूप में था, और थीम कंट्री की शुरुआत 2012 में होती है दोस्तों, और HSSC ने 2013 मानी थी। तो आप उसके अनुसार देख लेना, 2013 HSSC ने मानी लेकिन 2012 में इसकी शुरुआत होती है। और उसके बाद में अपने बात करें, 34वां सूरजकुंड मेला लगा है अभी 2020 में, इसका थीम स्टेट था हिमाचल प्रदेश और थीम पार्टनर कंट्री थी उज्बेकिस्तान। आप कहोगे जी आप तो पजल कर रहे हो, पजल नहीं दोस्तों, 2013 आंसर मानना है HSSC ने, अपने को भी HSSC के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, ठीक है भाई। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 पे चलें, क्वेश्चन नंबर 8 है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा विमोचन की गई पुस्तक का नाम बताइए। द एयर एक्ट 1981, कौन सी पुस्तक का विमोचन किया? द एयर एक्ट 1981। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलें, क्वेश्चन नंबर 9 है, सर्दियों और गर्मियों दोनों सीजन में माउंट एटबर्स को फतेह करने का रिकॉर्ड किसके नाम दर्ज हुआ है? रोहतास खिलेरी के नाम हुआ है। रोहतास खिलेरी मालापुर गांव से संबंध रखते हैं, ये मालापुर गांव हिसार में पड़ेगा दोस्तों।
उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है कि फरवरी महीने में आयोजित दक्षिण एशियाई सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन कुरुक्षेत्र में हुआ। एक क्वेश्चन तो यहाँ से निकल गया कि एशियाई सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ, कुरुक्षेत्र में, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में। इसमें कितने देशों ने भाग लिया था, 9 देशों ने भाग लिया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलें, उत्तर भारत का एकमात्र रामायण भवन कहाँ बना है, तो रामायण भवन उत्तर भारत का एकमात्र अंबाला जिले में बना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलें, क्वेश्चन नंबर 12 है आपके सामने कि खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 रद्द कर दिए गए, तो बताइए 2021 कहाँ होंगे, पंचकुला में होंगे, ये हरियाणा के पंचकुला ताऊ देवीलाल स्टेडियम में आयोजित किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13, हरियाणा में कितनी बेटियों को राज्य स्तरीय निर्भया अवार्ड दिया गया है, 45 को। मैंने पिछली क्लास में शायद इसका 32 करवा दिया था, इसको ठीक कर लेना, 45 है। बहुत सारे बच्चों का कमेंट भी आया था, जी कितने है कन्फर्म करके बताना, तो जी 45 रहेंगे, ठीक है, 45 महिलाओं को मिला। क्वेश्चन नंबर पे चलते हैं, 34 38वां अखिल भारतीय पुलिस घोड़सवारी प्रतियोगिता कहाँ हुई। एक बात तो याद रखिए, भारतीय पुलिस घोड़सवारी प्रतियोगिता है, कौन से नंबर की, 38वें नंबर की। ये बोड़सी कौन सा रहेगा, बोड़सी का नया नाम भुवनेश्वरी रखा गया है, गुड़गांव में हुई थी। 5000 साल पुराना 2 किलोग्राम की धातु का अवशेष कहाँ से मिला है, तो भट्टू बुआन गांव से मिला है। ये कमेंट में बताओगे आपके लिए प्रश्न, भट्टू बुआन गांव कहाँ है। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है कि हरियाणा के किस कुश्ती प्लेयर ने गर्को रोमन में स्वर्ण पदक जीता है, तो सुनील कुमार है, सुनील कुमार का संबंध कुश्ती से रहेगा, इन्होंने गर्को रोमन में स्वर्ण पदक दिलवाया है। कहाँ पर म्यूजियम के लिए बजट की घोषणा हुई, क्योंकि हम फरवरी महीना पढ़ रहे हैं भाई, और फरवरी महीने में ही बजट आता है, तो राखी गढ़ी में एक म्यूजियम बनेगा, ये घोषणा 2020-21 के बजट में की गई थी। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर पे चलते हैं, 18 पे, क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि हरियाणा की दूसरी मजदूर कैंटीन का शुभारंभ कहाँ किया गया, तो देखिए पहली मजदूर कैंटीन करनाल में खुली थी, दूसरी मजदूर कैंटीन पंचकुला में खुली थी। हरियाणा में टोटल है ना 25 कैंटीन खुलनी है दोस्तों, जिसमें 10 रुपये में भरपेट खाना दिया जाएगा, तो याद हो जाएगा ना, पहला करनाल सीएम सिटी में, दूसरी पंचकुला में, 25 खुलनी है, 10 रुपये में भरपेट खाना मिलेगा, ये अटल मजदूर कैंटीन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलें, क्वेश्चन नंबर 19 कहता है हरियाणा में कितने महिला थाने हैं, फरवरी 2020 के अनुसार हरियाणा में कितने महिला थाने हैं, तो 34 महिला थाने हैं। हरियाणा के किस डिजाइन संस्थान को राष्ट्रीय महत्व का दर्जा दिया गया है, कुरुक्षेत्र डिजाइन संस्थान को राष्ट्रीय महत्व का दर्जा दिया गया है दोस्तों। क्लास अच्छी लग रही है ना दोस्तों, तो लाइक कर देना, जितने भी देख रहे हो ना, वीडियो अच्छी लगे तो करना है और शेयर भी करना है, बुरी लगे तो ना अनलाइक ज़रूर कर देना, लाइक ना करो तो एक काम ज़रूर किया करो दोस्तों, जितने भी देखने वाले हो ना, एक भी व्यूवर ऐसा ना जाए कि अनलाइक और लाइक से वो मतलब है, कुछ ना कुछ ज़रूर करके जाए, है ना। तो बाकी आपको कोई कमी लगे भी वीडियो इसलिए अनलाइक किए तो कमेंट करके बता देना। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है हरियाणा लेबर वेलफेयर बोर्ड का चेयरमैन किसे बनाया गया है, अमरिंदर सिंह को, अमरिंदर सिंह को हरियाणा लेबर वेलफेयर बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया है। फरवरी 2020 में कितने साइबर पुलिस स्टेशन खोले गए, 2 पुलिस स्टेशन, साइबर पुलिस स्टेशन खोले गए हैं फरवरी 2020 में फरीदाबाद जिले में दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23 पे चले, क्वेश्चन नंबर 23, हरियाणा में अवैध खनन पर निगरानी रखने के लिए कौन सी योजना बनाई है, तो ई रवाना योजना बनाई है। ई रवाना योजना का संबंध किससे है, अवैध खनन को निगरानी करने के लिए। हरियाणा के किस विभाग ने राज्य के विश्वविद्यालयों में स्टूडेंट लिटरेचर फेस्टिवल आयोजित करने का फैसला लिया है, उच्च स्तरीय शिक्षा विभाग ने ये फैसला लिया है। क्वेश्चन नंबर अगले पे चलें, 25 नंबर पे, लेकिन जो भी नया है इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और इसकी पीडीएफ है ना आपको मैं टेलीग्राम में डालूँगा,
पीडीएफ के लिए टेलीग्राम लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पे आपको मिल जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर जाएं, आपको लिंक मिलेगा, वो लिंक आप ओपन करके टेलीग्राम ज्वाइन कर ले। वहाँ पे मैं ये एक घंटे के बाद वीडियो अपलोड होने के बाद वहाँ पे डाल दूंगा। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने विदेशों में जा रहे हरियाणवियों को संख्याओं का समाधान करने के लिए कौन सा विभाग बनाया है? विदेशी सहकारिता विभाग। उद्देश्य है कि जो भी व्यक्ति है ना, मतलब पढ़ा लिखा व्यक्ति कहीं दूर जाके नौकरी ना करे, दूसरे देशों में जाके नौकरी ना करे, इसीलिए हरियाणा में विदेश सहकारिता विभाग बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 26 रहेगा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत अवधारणा के तहत हरियाणा के किस राज्य के साथ परस्पर संस्कृत और बात करें या संस्कृति और रीति रिवाज के साथ परंपराओं का आदान प्रदान हो रहा है? तो तेलंगाना राज्य के साथ हो रहा है ये दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 38 रहेगा, 27 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, 68वीं अखिल भारतीय पुलिस कुश्ती समूह समता में हरियाणा का कौन सा स्थान मिला है? तो ये जो अपने भारतीय पुलिस कुश्ती जो समूह एक प्रतियोगिता हुई है, इसमें मन्नु भाकर को है ना अपने बात करें पहला स्थान दिया गया है, तो इसमें कौन सा स्थान मिला हरियाणा की किस मतलब महिला को? तो मन्नु भाकर को, थोड़ा लैंग्वेज में ना इसको कन्वर्ट कर लेना ढंग से। क्वेश्चन नंबर 38 अपने चलते हैं आगे 28 पे, 8वीं वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता में हरियाणा के किस खिलाड़ी ने 2 स्वर्ण पदक जीते हैं? पूजा यादव रेवाड़ी से हैं दोस्तों। पूजा यादव कहाँ से है? रेवाड़ी से। पूजा यादव का खेल कौन सा है? वेट लिफ्टिंग है, और वेट लिफ्टिंग 8वीं वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग हुई थी, इसमें 2 स्वर्ण पदक दिलवाए पूजा यादव ने, और इनका संबंध रेवाड़ी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला, अंतर्राष्ट्रीय बर्फ मूर्तिकला में हरियाणा के किस मूर्तिकार को पहला स्थान मिला है? तो प्रदीप पहल और मनोज कुमार को है ना हरियाणा में, अगर बात करें हरियाणा के दोनों ये अंतर्राष्ट्रीय बर्फ मूर्तिकला यानी बर्फ की मूर्ति बनाने में अपने बात करें सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 30 पे चलें, क्वेश्चन नंबर 30, उत्तर भारत का पहला रामायण भवन कौन सा? रामायण भवन किस जिले में खुलेगा? अंबाला जिले में खुलेगा दोस्तों पहला रामायण भवन। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 31 रहेगा कि पर्वतारोही कपिल ठाकुर ने किस महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी किया जोको पर तिरंगा झंडा फहराया है? ऑस्ट्रेलिया की ऊंची चोटी पर कपिल ठाकुर ने, अगर बात करें जो ऑस्ट्रेलिया की ऊंची चोटी है किया जोको पर तिरंगा झंडा फहराकर हरियाणा का ही नहीं देश का नाम ऊंचा किया है। क्वेश्चन नंबर 32, 2 रॉयल बंगाल टाइगर हरियाणा के किस जिले के चिड़ियाघर में लाए गए हैं? रोहतक चिड़ियाघर में। हरियाणा में 3 चिड़ियाघर है, पीपली चिड़ियाघर वह भिवानी मिनी चिड़ियाघर जो 1982 में बने थे तथा रोहतक चिड़ियाघर 1987 में बना था। कई जगह ना आपको दोस्तों ये 1986 भी लिखा मिल जाएगा जो गलत है दोस्तों, याद रहे ऑफिशियली डाटा कहता है 87 में अपने रोहतक चिड़ियाघर बना था, यानी रोहतक बड़ा चिड़ियाघर है और इन दो के मुकाबले में, तो उन दोनों को है ना पीपली कुरुक्षेत्र वाले को और भिवानी को मिनी चिड़ियाघर बोलते हैं, लेकिन एग्जाम में आ जाए कुल कितने चिड़ियाघर हरियाणा में? 3 चिड़ियाघर है, 3 पे ही फॉलो करना है। क्वेश्चन नंबर पे चलें 33 नंबर क्वेश्चन है, द एयर एक्ट 1981 पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो मनोहर लाल खट्टर ने। ये दोबारा क्वेश्चन घुमा के आ गया है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रहे। क्वेश्चन नंबर 34, सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग में स्पेशल, अगर बात करें पब्लिसिटी सेल का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? रॉकी मित्तल को किया गया है दोस्तों। किसे किया गया है? रॉकी मित्तल को किया गया है। आप देख रहे हो GKY दीवान सर चैनल जो आपको रखे आगे, मैंने इससे पहले ना अपने जनवरी महीने की करंट अफेयर डाल रखी है, वो ज़रूर देख लेना, ये फरवरी की है। मैं आपको इसी तरह से कर करके नवंबर तक कंप्लीट करंट अफेयर करवा दूंगा दोस्तों, जैसे टाइम मिलता है उसी अनुसार मैं ये पहले PDF बनाता हूँ फिर आपके लिए रिकॉर्ड करता हूँ। हरियाणा के किस जेवलिंग थ्रो खिलाड़ी पर 4 साल का बैन लग गया है? अमित पे लग गया है।
अमित दहिया है दोस्तों, ये अमित दहिया सोनीपत के रहने वाले हैं ना अमित दहिया, इन्हें जेवलिंग थ्रो में 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, हरियाणा के किस पहलवान ने सीनियर एशियन चैंपियनशिप में यानी जो रोमन में हुई थी कुश्ती चैंपियनशिप 27 साल के बाद हरियाणा को स्वर्ण पदक दिलवाया है? सुनील कुमार ने, सुनील कुमार ने 27 वर्ष बाद कुश्ती के अंदर हरियाणा को स्वर्ण पदक दिलवाया है। ये अगर बात करें सीनियर एशियन चैंपियनशिप रोमन में आयोजित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 37 पे चलें, क्वेश्चन नंबर 37 आपके सामने, वर्ष 2020 किस रूप में मनाया जा रहा है? सुशासन संकल्प दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। अगर बात करें हम वर्ष 2020 की, लोकसभा चुनाव में आईटी क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य करने के कार्य करने पर अगर बात करें किसे जनरल अवार्ड दिया गया है, किसे आएगा, किसे जनरल अवार्ड दिया गया है? अशोक कुमार मीणा को दिया गया है, ठीक है, इनका संबंध हरियाणा से रहेगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 39, हरियाणवी सुकोई, ये सुकोई जो विमान आई थी, उड़ाने वाला पहला कमांडेंट अफसर कौन बना है? मनोज गेरा बना है। कौन बना है? मनोज गेरा। क्वेश्चन नंबर अगले पे चलें, 40 पे, हरियाणा से कितने राज्यों हरियाणा तथा कितने राज्यों में अटल सेवा कार्यक्रम चलाया गया है? हरियाणा सहित कितने राज्यों में अटल सेवा केंद्र चलाया गया है? 7 राज्यों में भारत के अटल सेवा केंद्र चल रहा है, इसमें हरियाणा भी शामिल है, 6 और राज्य हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर अगले 41 पे चले, अगला 41 क्वेश्चन नंबर रहेगा, विस्टाडोम कोच लगी देश की पहली ट्रेन का संचालन किस ट्रैक पे शुरू किया गया है? कालका शिमला ट्रैक पे शुरू किया गया है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऊर्जा दक्षता सूचकांक में हरियाणा का कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। और एनीमिया मुक्त में भी कौन सा स्थान आ गया है? पहला स्थान आ गया है। शौच मुक्त में भी कौन सा स्थान आ गया है? पहला स्थान आ गया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है आने वाले एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर रहेगा आपके सामने 43, फरवरी 2020 में ODF के लिए बेहतरीन काम करने हेतु स्वच्छता दर्पण अवार्ड दिया गया पानीपत जिले को, किस जिले को मिला? पानीपत जिले को मिला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 44 रहेगा आपके सामने, देश के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त किसे बनाया गया है? संजय कोठारी, हरियाणा से संबंधित रखते हैं संजय कोठारी, इसलिए इंपॉर्टेंट है। बिजली निगम हरियाणा ने प्रदेश के किस जिले से बिजली रथ को रवाना किया? तो सोनीपत जिले से, अगर बात करें बिजली निगम हरियाणा ने अगर बिजली रथ का जिक्र किया जाए तो रवाना किया सोनीपत जिले से। क्वेश्चन नंबर 46 रहेगा आपके सामने, भिवानी जिले के किस गांव में 5000 साल पुराने हड़प्पाकालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं? तो ये मिले हैं अपने, बात करें तिगडाना गांव में, कौन से गांव में? तिगडाना गांव से मिले हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा आपके सामने, हरियाणा सरकार ने पर्वतारोही को कितने रुपए राशि इनाम देने की घोषणा की है? जो पर्वतारोही किसी न किसी ऊंची चोटी पर फतेह हासिल करेगा उसे 5 लाख रुपए दिए जाएंगे, ये हरियाणा सरकार की घोषणा है फरवरी 2020 के अनुसार। बात करूं तो मैं, जो भी इस चैनल पे नया है, वीडियो अच्छी लगी है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर व लाइक जरूर कर देना। गुड बाय, राम राम, नमस्ते, मिलते हैं अगली क्लास में बहुत ही जल्द। और आपके लिए मैंने 19 घंटे की हरियाणा जीके की क्लास भी अपलोड की है जो आपके सामने स्क्रीन पे यहाँ पे आपको दिख रही होगी, ये 19 घंटे की क्लास जरूर देख लें, आपके लिए बहुत उपयोगी रहेगी।